वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज इस वीडियो में बात करेंगे मुंजिया मूवी के डे 29 29वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे मूवी बॉक्स ऑफिस पे बन चुकी है हिट सुपर हिट या फिर हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहेगा। तो गाइस जिस तरीके से मूवी में जो न्यू कमर्स हैं उन्होंने जो एकदम बोलते हैं ना कि ब्लॉकबस्टर वाली एंट्री मारी है और जिसके पीछे हम सभी को पता है सरबरी बाग और जो है कि हमारे आदित्य वर्मा जिन्होंने कि बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है। और सरबरी बाग जो है उनकी तो भाई वो फिगर है वो टॉप नॉच दिखता है और मैं तो भाई फैन हो गया उनका पहली ही मूवी से। और उनकी जो काफ़ी लुक्स हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो मूवी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पे जो है कि 28 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और इन 28 दिन के अंदर जो मूवी का बॉक्स ऑफिस इंडियन एड जो कलेक्शन है वो है लगभग 97 करोड़। यस गाइस 97 करोड़ जो है कि मूवी इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर चुकी है। बात करें मूवी के 29वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों मूवी ने जैसे कि इंडियन एड से 97 करोड़ का कलेक्शन किया है, लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने 29वें दिन यानी कि आज भी लगभग इंडिया सीनेट जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर रही है वो कर रही है लगभग 50 लाख का। यस गाइस लगभग 50 लाख का, यानी कि लगभग मूवी को एक महीना होने को आया है लेकिन मूवी अभी भी 50 लाख या 1 करोड़ का कलेक्शन ईजिली कर रही है, जो कि ये शो करता है कि मूवी का पोटेंशियल कितना है, मूवी में कितना पावर है और उसके पीछे का जो रीज़न है वो है इस मूवी की स्टोरी और साथ ही साथ जो न्यू कॉमर्स आए हैं उनकी एक्टिंग। तो गाइज जैसे कि अक्षय कुमार ने एक शो में कहा था कि जो हमारे इंडिया का जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर उसको चांस मिलता है तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है और वही रीज़न है जो कि यहाँ पर हम सभी को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन जो है कलेक्शन दिख रहे हैं और ये मूवी अब तक जो है कि 97.50 CR का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीकेंड तक ये मूवी 100 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से नेट कर चुकी होगी और वहीं बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस पे भी ये मूवी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर चुकी होगी। यस गाइस यानी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अगर बात करिए इसके बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों बर्ड बैड पे भी ये मूवी जो है कि लगभग 119 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी होगी और ये मूवी अपने बजट जो कि है 40 करोड़ से 3 गुने यानी कि 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी, जिससे कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लोगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी ऐसा कर पाने में सक्षम है? वैसे तो कोई बात है ही नहीं, अब तो यार 120 करोड़ ऑलमोस्ट होने वाले हैं क्योंकि आज का 50 लाख और इंक्लूड कर दें तो और उसके साथ साथ जो है कि नेक्स्ट कुछ अपकमिंग डेज में ये मूवी जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेगी, जिससे मूवी बॉक्स ऑफिस पे मुझे लगता है कि लगभग 125 या 130 करोड़ पे रुकेगी। तो दोस्तों आपका क्या है इस मूवी के बारे में कहना, अपने रिकमेंड में जल्दी से और झटपट से जरूर देना। बाद वक्त मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।